हेलो दोस्तों, अपने कुछ रोकथाम और नियंत्रण रह गए थे किसमें, FMD बीमारी में। अब बात करते हैं इसमें क्या 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 करना चाहिए और क्या क्या नहीं, जिससे कि FMD बीमारी कम हो। FMD यानी कि फूड एंड माउथ डिसीज, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, फूड एंड माउथ डिसीज। वैश्विक खाद्य और मूल रोग नियंत्रण रणनीति में वर्णित प्रारंभिक उपाय स्थलीय संहिता में विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभ पहचान की गई। नंबर एक, वे बीमारी की घटना और प्रसार की निगरानी में मदद करने को FFT वायरस के लक्षण वर्णन की अनुमति देते हैं। FMD नियंत्रण रणनीति या कार्यान्वयन अलग अलग देते हैं, देशों में भिन्न होता है, महामारी विज्ञान निर्भर करती है। सामान्य तौर पर पशु धन मालिकों और उत्पादों के लिए आवश्यक यह है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ध्वनि जैव सुरक्षा प्रदानों को बनाए रखने, कृषि पर अनुसंधित उपायों में शामिल करें, पशुओं और उपकरणों तक लोगों की पहुंच पर नियंत्रण रखें, ठीक है। अब बात करते हैं वाले जानवर गुण की छूटने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। विषाणु प्रत्यावर्तन के खतरे में कारण जीवित विषाणु टीकों का उपयोग स्वीकार नहीं है। टीकाकरण FMD के लिए एक प्रभावी नियंत्रण रणनीति में एक भूमिका निभा सकता है, लेकिन टीकाकरण का उपयोग करने या न करने का निर्णय राष्ट्रीय अधिकारियों के पास है। FMD टीकाकरण के बाद अधिक जानकारी के लिए संबंधित अक्सर पूछे गए सवाल है। अब भौगोलिक वितरण क्या है। FMD एशिया में कई हिस्सों और अधिकांश अफ्रीका और मध्य पूर्व स्थल यानी लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश जोनिंग में लागू है और टीकाकरण के साथ बिना FMD मुक्त रूप में पहचाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मध्य और उत्तरी अमेरिका और महाद्वीपीय पश्चिम यूरोप वर्तमान में FMD मुक्त है, हालांकि FMD एक बीमारी है। अब बात करें कृषि पर अनुसंधान उपाय, पशुओं और उपकरणों तक लोगों की पहुँच नियंत्रण। नंबर दो, मौजूदा झुंडों में नए जानवरों की नियंत्रित परिचय। नंबर तीन, पशुधन कमलों भवनों वाहनों उपकरणों की नियमित सफाई और कीटाणु शोधन। नंबर चार, बीमारी की निगरानी और रिपोर्टिंग, खाद और मृत शवों का उचित निपटान। अब बात करेंगे संभावित प्रकोपों के लिए आकस्मिक योजना रोग को मिटाने के लिए प्रक्रिया प्रयास में शामिल तत्वों की पहचान करेगी। नंबर एक, सभी संक्रमित ठीक हो सकते हैं और FMD संवेदनशील संपर्क जानवरों में मानवीय विनाश है। नंबर दो, शवों और सभी पशु उत्पादों को उचित निपटान करना चाहिए। नंबर तीन, सभी विहित संभावित रूप से संक्रमित या उजागर पशु की निगरानी अनुरेखण है। नंबर तीन, पशुओं उपकरणों वाहनों की आवाजाही पर संकट संघोधन परिसरण संक्रमित उपकरण ये होते हैं। और थोड़े से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।